Subscribe Queen Simple Unique Recipes Cooking Secret. Like and share our videos with your friends and family. Press the bell icon for daily notification. Thank you. दोस्तों आज मैं सिखाऊंगी स्वीट एंड सार हिलसा. ये एक खट्टा मीठा फिश का डिश है. बंगाली कुजिन में दो तरह का फिश से हम लोग खट्टा मीठा या स्वीट एंड सार डिश बनाते हैं. उसमें एक है ये हिलसा मच्छी. इस समय बरसात के मौसम में मानसून में ये बहुत अच्छा मिलता है. ठीक है, तो दूसरा जो डिश है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज मैं ये दिखाऊंगी. तो चार पीस मैंने हिलसा मच्छी लिया और एक सील लिया इसका आधा. इसके लिए चाहिए थोड़ा सा सरसों दाना क्योंकि खट्टा चीज़ है, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, ये है इमली और वो है चीनी. देखिए कढ़ाई में मैंने तेल रखा, सरसों का तेल, और थोड़ा ही तेल दीजिएगा क्योंकि हिलसा मच्छी में काफ़ी सारा तेल खुद का ही होता है. जब तेल में दोगे मछली से तेल निकलने लगेगा, और ये खट्टा मीठा चीज़ है इसलिए ज़्यादा तेल नहीं चाहिए. तो मैं शुरू करती हूँ. इसमें अच्छी तरह से नमक और हल्दी मैरिनेट करती हूँ. देखिए, तो मैं धीरे धीरे देती हूँ एक एक करके क्योंकि बरसात का मौसम का हिलसा है, इसमें अंडा हो गया है, पानी में अंडा छोड़ता है, इस वजह से ये ज़्यादा मतलब छिड़केगा. देखिए ना, कवर कर दीजिएगा जरूर, इसके अंदर अंडा है ना, इसकी वजह से खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है. हो गया, देखिए जो नए हो फूल बाजू ड्रेस डाल लेना, फुट फुट करेगा वो, फिर से मैं कवर कर दूंगी. ये अंडा है ना, इसकी वजह से कर रहा है. ये इमली है, इसको अच्छी तरह से धो के, पीने के पानी से धो के फिर मैं इसको भिगो कर रखूंगी. फिर इसका जो पाल निकालना है. आई लव दिस डिश वेरी मच. तो रिक्वायर जो तेल है इसमें ही हो जाएगा, और तेल मत दीजिए, जरूरत नहीं है. ठीक है, अभी इसमें हम सरसों दाना देंगे क्योंकि ये खट्टा चीज है. ओके, सरसों दाना दे दीजिए. गैस धीमा रखिए. देखिए अभी इस इमली जो है, अभी आप गैस बंद भी कर सकते हो. देखिए मैंने जूस निकल लिया. ये जो है ये छन्नी से निकाल दीजिए. कोई कोई लोग निकालते नहीं है क्योंकि ये चूस चूस कर खाने में तब बहुत मजा आता है. जो नियम है मैं दिखाती हूँ, आप वो भी दे सकते हो. ऐसी बात नहीं कि वो नहीं दे सकते, बढ़िया लगता है, खराब नहीं लगता. मैं बाद में इसको दे दूंगी. जो राइट है वो मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को. या कोई चम्मच से कर लीजिएगा. तेल में अभी सिर्फ हल्दी दीजिए और कुछ नहीं चाहिए. हल्दी दे के इसको डाल दीजिए. थोड़ा सा नमक दीजिए, नमक ऑलरेडी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए. देखिए इसको भिगोएंगे. इसके बाद चीनी, चीनी को थोड़ा मेल्ट होने दीजिए. बहुत जल्दी बन जाता है तो ये बहुत स्वादिष्ट होता है. वेस्ट बंगाल में हम लोग ये जो खट्टा चीज़ है मछली का ये खाते हैं. स्पेशली जो वेस्ट बंगाल का जो बीरभूम जिला है, बीरभूम के लोग, वो लोग तो हर मछली में खाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ हिलसा और दूसरे एक मच्छी है वो मैंने आप लोगों को दिखाया. आप लोग प्लीज सर्च करके देख लीजिएगा कौन सी मछली. इसको थोड़ी देर होने दीजिए, मतलब ज़्यादा सूखा भी नहीं, ज़्यादा गीला भी नहीं. ठीक है, बहुत इजी रेसिपी है. ये बन गया है. अभी मैं साफ करके आप लोगों को दिखाती हूँ. फ्रेंड्स मैंने साफ कर दिया ये खट्टा मीठा हिलसा मछली का ये डिश. ये बनके तैयार हो गया. देखिए कितना बढ़िया लग रहा है. ये चावल के साथ खाइए जरूर. रोटी के साथ जाएगा लेकिन मतलब चावल के साथ ये बढ़िया जाता है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं. तो देखते देखते दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी खाना शुरू किया जैसे मैंने किया. तो ये जैसे जैसे मैंने गाइड किया आप लोगों को वैसे वैसे बनाइएगा, और थोड़ा सूखा सूखा बनाइएगा क्योंकि ये ज़्यादा तली वाला नहीं, ये अचार जैसा होता है.
ये बहुत दिन तक फ्रिज में 7 दिन तक आपको रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है, तेल बहुत कम चाहिए, एक टिप्स है। और दूसरी टिप्स है, जो फिश है इसको अच्छी तरह से कड़क करके फ्राई करिए। अक्सर इल्सा जो फिश होता है हम लोग हल्का फ्राई करते हैं, इसमें कड़क चाहिए, नहीं तो इसका जो स्ट्रांग एरोमा उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा। और ये बहुत सॉफ्ट फिश होता है, बहुत सॉफ्ट। तो जैसे जैसे मैंने बताया आप लोग ऐसे करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं विदा लेती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए कि अच्छा अच्छा आप लोग डिश देख पाओगे, है कि नहीं दोस्त। और बेल आइकन जरूर दबाइए, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।